हम लोग ने पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में हम लोग ने यहाँ पर एंड किया था, वी फाउंड द डिस्प्लेसमेंट टू बी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हम लोग ने फाइंड किया था डिस्प्लेसमेंट। पर मैंने बोला था ये जो फाइव है दिस इज बेसिकली फेज एंगल। अब ये फेज एंगल है तो ये फेज एंगल का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है हम डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली मान लीजिए ये अपना मेन पोजिशन है, ओके, जहां पर अभी आपने स्प्रिंग के केस में अगर देखेंगे ब्लॉक कभी यहां कंप्रेस्ड होगा तो ब्लॉक यहां पर होगा, ब्लॉक यहां पर होगा, यहां पर होगा, तो फिर यहां से हाई एक्सेलरेशन से जाता है वो मेन पोजिशन से पास होता है एंड यहां पर आता है, फिर यहां से वापस आता है, यहां से वापस जाता है, यहां से वापस जाता है। सो इस पूरे मूवमेंट का अगर आप ध्यान में रहेंगे, इसको याद रखेगा, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है पेंडुलम होता है। पेंडुलम की अगर बात करें तो दिस वन इज मेन पोजीशन, इस मेन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। जब भी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तब पेंडुलम का ये स्लो होकर रुक जाती है, लेकिन जब वो रुकती है उस टाइम पर उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स होता है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन की वजह से। अभी ग्रेविटेशन की वजह से मैक्सिमम फोर्स है, इस मैक्सिमम फोर्स की वजह से वो नीचे की तरफ आती है, सो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वजह से वो नीचे की तरफ आती है एंड जैसे मेन पोजीशन पे पहुंचती है तो आइडियली स्पीकिंग मेन पोजीशन पे रेस्ट करना चाहती है। सो एट मेन पोजीशन उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है। सिमिलरली यहां पर भी मेन पोजीशन पे उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती बिकॉज वो चाहता है कि वो रेस्ट करे, बट इतने दूर से जब आया तो मेन पोजीशन पहुंचते पहुंचते उसके पास इतना ज्यादा वेलोसिटी हो जाता है कि वो खुद को रोक नहीं पाता है एंड ड्यू टू द पुराना वाला वेलोसिटी दैट इज द इनर्शिया विच इट हैड, ये इनर्शिया की वजह से वो आगे की तरफ खिसक जाता है। सो दैट मींस यहां से जब आती है तो मेन पोजीशन पे आके वो रुकना तो चाहती है बट मेन पोजीशन पे उसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होती है जिस वजह से वो आगे की तरफ निकल जाती है, आगे की तरफ निकल के इस तरफ आती है, देन यहां पर भी आने के बाद इधर आने के बाद रुक जाती है, रुकती है, लेकिन उसको पीछे की तरफ धकेलने का मैक्सिमम एक्सेलरेशन इधर होता है, देन वापस वूम करके जाती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड होता है एंड आगे की तरफ स्पीड कम हो जाता है, वापस रुकता है। सो बेसिकली मेन पोजीशन पे सबसे ज्यादा स्पीड होता है, आगे की तरफ दोनों एक्सट्रीम पोजिशन पे जीरो स्पीड होती है, बट एक्सेलरेशन जो होती है एक्सट्रीम पोजिशन का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है एंड मेन पोजिशन का एक्सेलरेशन जीरो होता है। आई बिलीव इतना आप लोगों को क्लियर है, ओके। अब ये जो मैंने लिखा है यहां पर ये मेन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम है। जब भी हमारा ऑसिलेशन स्टार्ट होता है मान लेते हैं कि भाई मेन पोजीशन से अगर स्टार्ट हुआ तो मेन पोजीशन को ये पूरे के पूरे को ना हम क्या करते हैं एक सर्कल से कनेक्ट करते हैं बेसिकली, ओके, एक सर्कल से कनेक्ट करते हैं। तो मान लेते हैं कि अगर इस एंगल को जीरो पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे, इस एंगल को क्या करेंगे इधर से इधर तक आ रही है तो 90 पकड़ेंगे, फिर यहां से जब वापस इधर आती है तो इसको 180 पकड़ते हैं, इफ दिस इज जीरो दिस विल बी 90 एंड दिस विल बी 180 मतलब पाई, फिर यहां पर जब आती है 270 मतलब 3π/2, देन यहां पर जब आती है तो वापस 2π हो जाता है, तो जीरो पे ही 2π होता है। सो दिस इज बेसिकली सर्कल। तो मान लेते हैं कि हमारा ऑसिलेशन जो है ना यहां से वहां पर गई, वहां से बेसिकली ऑसिलेशन यहां से अगर स्टार्ट हो गई राइट साइड की तरफ जाएगी देन इधर आएगी देन यहां पर आएगी, ऐसे 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 ऑसिलेशन चलते रहेगा। तो मान लेते हैं कि मेन पोजीशन से स्टार्ट किया तो जब एक्सट्रीम तक पहुंचेगी फिर पहले एक्सट्रीम तक जाएगी फिर एक्सट्रीम से रिटर्न मीन, फिर मीन से ये एक्सट्रीम द अदर एक्सट्रीम देन वापस मीन, यहां पर उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। यहां से स्टार्ट करती है पहले वाले एक्सट्रीम मीन दूसरे एक्सट्रीम मीन, एक साइकिल कंप्लीट। तो ये एक साइकिल कंप्लीट को हम सर्कुलर टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से स्टार्ट होगा 90 पे फिर 180 पे 270 पे फिर वापस जीरो पे, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू प्रोसीड, ओके। अब यहां पर सेम सर्कल की तरह ही आपको यहां पर भी रिप्रेजेंट करना है, जब यहां पर रहेगा हम बोलेंगे कि उसका एंगल जो है ना वो जीरो डिग्री जीरो है, जीरो रेडियन। जब फर्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा तो 90 की तरह उसको बिहेव करना है, उसको 90 की तरह बिहेव करेगा तो यहां पर क्या होगा 90π/2। देन जब वापस मीन पे आएगा तो मान लीजिए ऐसे जाके वापस इधर आ गए तो ये है 180, तो जब वहां पर जाके वापस इधर आएगा तो यहां पर हम इसको 180 दैट इज पाई बुलाएंगे, पाई रेडियन, ओके। देन यहां से जब पीछे जाएगा दैट मींस इधर से इधर आने की तरह तो यहां पर क्या होगा, ये होगा 3π/2 का एंगल, देन इधर से जब वापस इधर आएगा तो इधर से इधर आने का एक फील मिलता है दैट इज 2π। सो इन शॉर्ट ये जैसे हम लोग सर्कल को जीरो से लेकर 2π तक हम डिफाइन कर सकते हैं, वैसे इस पूरे ऑसिलेशन को भी जीरो से लेकर पूरे 2π तक डिफाइन कर सकते हैं। तो जहां से स्टार्ट होती है वो जीरो होता है, उधर से एक्सट्रीम तक जाएगी तो 90 हो जाएगा,
90 से रिटर्न मेन पे आ जाएगा तो 180 हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो 270 दैट इज 35/2 हो जाएगा, देन वापस इधर आ जाएगा तो 360 डिग्री हो जाएगा, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा. सो इसको मैं थोड़ा दूसरा इंक यूज करके बनाता हूं एंड प्रॉपरली बनाता हूं, इस तरह समझ लीजिए 0, 90, 180, 270 दैट इज 3/5. सो जैसे सर्कल डिफाइन करती है पूरी तरह से, वैसे ही ये ऑसिलेशन भी पूरी तरह से डिफाइन होती है, जीरो से लेकर घूम के वापस इधर आ जाती है. समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर एंगल मैंने रिप्रेजेंट किया, ये एंगल असली एंगल नहीं है. आप देखोगे तो असलियत में एंगल जो होती है ना, ऐसे एंगल्स को हम लोग असली एंगल बोलते हैं. बट ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑसिलेशन पे जो हम लोग एंगल बता रहे हैं, हम असली एंगल तो यूज नहीं कर रहे, बट असली एंगल के तरीके से हम दूसरा कोई एंगल यूज कर रहे हैं. देयरफॉर दिस पर्टिकुलर एंगल व्हाट एवर वी आर सेइंग ओवर हियर, 0, 5/2, 3/2, 2π, π जो भी है, इस एंगल को हम बुलाते हैं फेज एंगल. सो फेज एंगल बेसिकली रिप्रेजेंट्स द पोजिशन ऑफ माई ऑसिलेशन. मतलब जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रही है उस पार्टिकल का पोजीशन कहां पर है वो रिप्रेजेंट करती है फेज एंगल. आई होप आई एम क्लियर. सो पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट कर रही है, मैं बोलूंगा 0 उसका फेज एंगल है. पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट करेगी तो मैं बोलूंगा उसका इनिशियल फेज एंगल 90 होगा. पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट करेगी तो इनिशियल फेज एंगल 3/2 होगा. पार्टिकल अगर इधर से स्टार्ट करेगी तो इनिशियल फेज एंगल 5 होगा, व्हाट एवर इट इज. तो इसको बोलते हैं फेज एंगल. सो फेज एंगल इज द, आई कैन से it is the position of particle from where, yeah, for position of particle aise bol sakta hu, it is the position of particle, particle ka position jahan par bhi hoga uske hisab se uska phase angle hum define kar sakte hain. So I believe phase angle kya hota hai karke aapko samajh mein aaya hoga. एंड बीच वाले को हम अक्सर 0 बोलते हैं, एंड कोने वाले को हम 90 बोलते हैं, 180 बोलते हैं, एंड सो ऑन. मैं माइक रिमूव कर रहा हूं. आई बिलीव माय डियर स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको. एम आई क्लियर? अगर मैं क्लियर हूं तो नोट डाउन करो जल्दी से, कुछ डाउट हो तो पूछ लो. Therefore, जो भी displacement होगा, displacement of particle at any particular time can be expressed as x is equal to a sine omega t. So time जितना change होगा, उसके हिसाब से हम value अगर डालेंगे, तो automatically मुझे x का value मिल जाएगा. Okay? And a क्या है? A is the maximum displacement. मतलब अगर if this is the main position, oscillation इनके बीच में हो रही है, so this particular distance from main position to extreme position, उसको बोलते हैं a. So a is the A is called as amplitude of displacement जो होती है, okay? Max displacement. Similarly, अगर particle start हो रही है from mean position, तो phi को zero डालना है. This is your first condition. Case one. Case two में if particle starts from extreme position, पार्टिकुलर एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट हो रही है, then I shall say, जो phi है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर इसको मैं 0 रेडियन बोल रहा हूं तो एक्सट्रीम पोजिशन को मैं pi by 2 रेडियन बोलता हूं, तो phi के जगह पे मैं डालूंगा pi by 2, that is 90 डिग्री, pi by 2 डालूंगा, यहां पर डाल देता हूं. Therefore, x का जो वैल्यू हो जाएगा that would be a sin omega t plus pi by 2. एक काम बताइए, a को ना मैं कैपिटल a यूज करता हूँ. क्यों कैपिटल a मालूम है क्या? अदरवाइज आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई एम्पलीट्यूड क्या है और एक्सेलरेशन क्या है, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा. कैपिटल a मतलब एम्पलीट्यूड समझ लीजिए, स्मॉल a मतलब एक्सेलरेशन समझ लीजिए. यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ. अब आपको तो पता है कि साइन ऑफ एनी एंगल प्लस पाई बाय टू इज गोइंग टू बी द कॉस ऑफ दैट दैट सेम एंगल. तो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी. सो आपको अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो आप ये फॉर्मुला भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नीचे कॉस वाला फॉर्मुला भी यूज कर सकते हैं. आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर.
इस चीज,